हेलो फ्रेंड, मेरा नाम शिवशंकर और आप देख रहे हैं मोबाइल मास्टर सिंह। मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं किसी इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक पे नहीं, किसी मोबाइल के टॉपिक पे नहीं। इसमें मैं बात करना हूं तिल मासा को जड़ से मिटाने के उपाय के बारे में। पहले मैंने इसे प्रयोग किया है, उसके बाद ही ये वीडियो बनाया हूं। तो आप वीडियो के देखिएगा पूरा बिना किसी स्किप के। इसमें पूरा आपको जानकारी मिलेगी कि ऐसे कैसे किया करना है, जिससे आपको कोई भी चेहरा पर के हो या पीठ में के हो या गोड़ में के हो, हाथ में कहीं पर के तिल या मासा को जड़ से मिटा सकते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है, इसका घरेलू उपाय क्या है, वो मैं बताता हूँ। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा, कोई क्रीम आपको नहीं लेना पड़ेगा और ज्यादा कुछ आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं और मैं इसके बारे में बताता हूँ। हाँ, और एक बात मैं बता दूँ, इस वीडियो के लास्ट तक आप देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं इसका लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन कैसे करके रिड्यूस हो जाता है। तो वीडियो को देखिएगा पूरा अंत तक, उसके बाद ही आपको कुछ फायदा होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको लेना है थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर, एक चुटकी डिटर्जेंट पाउडर लेना है और उसमें एक चुटकी चूना लेना है। जी हाँ, एक चुटकी डिटर्जेंट पाउडर लेना है, सरफ जिसे भी कहते हैं, जिसे कपड़ा धुलाई में काम आता है, और एक चुटकी आपको चूना लेना है जो खैनी में मिक्स करके खाने में काम आता है। दोनों को एक एक चुटकी लेना है और थोड़ा सा एक दो बूंद पानी लेना है और अपने हाथ पे ऐसे रख के ऐसे और ऐसे मिक्स करके मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको थोड़ा सा गीला चिपचिपा क्रीम टाइप का हो जाएगा, पेस्ट टाइप का हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए कि मेरा देखिए यहाँ पे मसा था, पीठ में मसा था या फिर कहीं और है मान लीजिए, तो आपको पहले ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा अपने नाखून से या फिर किसी चीज से थोड़ा सा स्क्रैच करके, मतलब पूरा रगड़ना नहीं है, थोड़ा सा मैंने उसको सॉफ्ट बना देना है, कोमल कर देना है थोड़ा सा रगड़ के या फिर स्क्रैच पूरा करके, कि हमारा जो पेस्ट है वो अंदर से पेस जाए और रिस जाए। हाँ, आपको एक बात को ध्यान देना है कि आपको उतना सा ही मात्रा में, मतलब वहां पे मिक्स किया हुआ पेस्ट यानी डिटर्जेंट पाउडर और चूना का मिक्स पेस्ट उतना ही रखना है जितना आपको वो जो तिल और मासा जितना साइज है वही आकार है। मतलब आपका अगर इतना बड़ा है तो बस इतना छोटा रखे, वही तो पाए, दूसरा कोई पार्ट्स नहीं तो पाए। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक बूंद है तो वही बूंद भर रखेंगे, ना कि हम यहाँ तक लभेर लिए चाहे छोटा। मतलब कहने का मतलब है कि जितना बड़ा आपको मासा हो या तिल हो उतना बड़ा ही आपको रखना है, उसी को केवल ढकना, ना कि अपना किसी और अंग को ढक ले। उसके बाद आपको क्या होगा कि थोड़ा सा जलन होगा, जलन आपको कम से कम 5 मिनट को बर्दाश्त करने पड़ेगा क्योंकि बहुत ही जल्दी ये असर करता है। 5 मिनट जलन होगा, उसके बाद आपको छोड़ देना वैसे ही, तो 1-3 घंटा के बाद आप धो लीजिएगा। धोने के बाद आपको जो वहां के एरिया रहेगा जिसपे तिल रहेगा वो जल के पूरा काला काला हो जाएगा और साइड में कुछ जख्म टाइप के हो जाएगा, लेकिन जख्म नहीं होता, वो थोड़ा सा चारों बगल से गलाता है चूना ना, वही चलते थोड़ा सा देखने में लगता है। मैं इस वीडियो में आपका लाइव प्रूफ दिखा दूंगा मेरा किस किस तरह से कैसे कैसे करके रिड्यूस हुआ है। उसके बाद आपको करना क्या है, जब आप 4 घंटा हो जाए तो उसको आप धो लें, ठीक है, पानी से। पानी से धोने के बाद आपको करना क्या है कि ये देखिए, यह है जैतून का तेल जिसे ऑलिव ऑयल कहते हैं, जैतून का तेल कहते हैं या फिर बेबी ऑयल भी कहते हैं। यह हमारे त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है, तो आप यह मार्केट से खरीद सकते हैं। इसका कीमत है 110 रुपए। अगर नहीं खरीदना तो उसे आप सरसों के तेल या फिर अगर कोई तेल है वो भी रख सकते हैं, या फिर नहीं रखें भी तभी काम चलेगा, बट खरीद लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डेली ये नहाने के बाद थोड़ा थोड़ा तेल रखना है वहां पर, नहीं तो आप पूरा फेस में भी लगा सकते हैं, कोई खराबी नहीं करता है तेल, यह त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और उसके बाद आप देखेंगे रिजल्ट कि आपको 5 दिन में जड़ से गायब हो जाएगा और कोई निशान भी नहीं बचेगा। मैं इसका लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ, तो देख सकते हैं आप वीडियो के साइड में, यहाँ आप देख सकते हैं मेरे साइड में कि किस तरह से। यहाँ देखिए, पहला दिन मेरा था ऐसा जब मैंने इसे यूज किया था, और पहला दिन तो बहुत और बेकार, दूसरा दिन का है, फिर आप देख सकते हैं ये इमेज है जो तीसरा दिन का है मेरा, देखिए फिर ये इमेज है जो चौथा दिन का है, और ये इमेज है जो 5वां दिन का है। ये सारा इमेज में, और ये उम्मीद है कि अब वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं पहले एक्सपेरिमेंट करता हूँ, अपने पर प्रयोग करता हूँ, मुझे फायदा होता तभी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्या कह सकते हैं, भारत माता की जय। जय हिंद।